हेलो, आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल पनीर पेड़ा। उसके लिए पनीर, चीनी, पीसी हुई इलायची, इलायची पाउडर, दूध, चीनी, सॉरी नारियल पाउडर, ये मिल्क पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर। पहले एक गिलास दूध लेंगे। इसमें हाफ कप शुगर डालेंगे, आपके टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसको उड़ने देंगे। अभी हमारी चीनी मेल्ट हो गई है, सिंगल घुल गई है वो। अब इसके अंदर जो एक कटोरी या एक कप पनीर डालेंगे ग्रेट किया हुआ, और इसका दूसरे पनीर तक पकाएंगे इसको। पांच छह मिनट के लगे इसको, दूध बिल्कुल सूख गया, ऐसे हो गया बिल्कुल सूखा सूखा। अब इसके अंदर जो मिल्क पाउडर धीरे धीरे डाल देंगे, इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए, लम्स नहीं पड़नी चाहिए। एक कप मिल्क पाउडर है, वन फोर्थ कप कोकोनट पाउडर डालेंगे और एक स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़े से पानी के अंदर ये ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, थोड़ा सा कलर के लिए। अब धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। अब हमारा जो मिल्क, हमने जो पनीर का बनाया, पेड़ा बनाना है अपने, इसका ये मिश्रण है जो ये बिल्कुल अभी ड्राई हो गया, कलर थोड़ा सा डाल दिया। अब जितना आपने चाहिए कलर, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, उतना डाल सकते हो। अभी हम गैस बंद कर देंगे इसको और ठंडा कर लेंगे इसको। हमारा पेड़े का जो मिश्रण है ठंडा हो चुका है, हल्का सा गर्म है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा मसल लेंगे। इसके पेड़े बना लेंगे जैसे आप, जैसे बड़े छोटे जितने लड्डू बना सकते, पेड़े बना सकते, ऐसे बनाएंगे। और इसको थोड़ा सा इसके अंदर पेट लेंगे, जो नारियल का पाउडर है, ऐसे सब बेड़े हम बना लेंगे छोटे छोटे। हमारा जन्माष्टमी स्पेशल पनीर पेड़ा रेडी हो चुका है, बहुत टेस्टी बनता है ये और बहुत जल्दी भी बनता है। इसको जरूर बनाना, आप एक बार ट्राई करना, और हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।